हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली रोजगार पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आवेदन करने वाली प्रत्येक माताओं व बहनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म भरने की संपूर्ण प्रक्रिया बिल्कुल सही सही लेकर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का आवेदन करने जा रही हैं तो आप सभी के लिए कुछ सावधानियों को बरतना है एवं आवेदन फार्म में सभी जानकारियों को सही सही बिल्कुल सटीक तरीके से भरना है। यदि आप आवेदन फार्म भरते समय एक भी गलती करेंगे तो आपका फार्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है और आपको आवेदन किस प्रकार से भरना है ताकि आपको आवास सबसे पहले प्राप्त हो सके, तो इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की गई है। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो पर बिना स्किप करे अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम अगर हम इस योजना के तहत आवेदन फार्म भरने की अंतिम तारीख की बात करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी माताओं व बहनाओं के लिए यहाँ पर आवेदन फार्म भरने की अंतिम तारीख का भी पता नहीं रहता है, इसलिए आवेदन फार्म भरने से चूक जाती हैं। ऐसा ही लाडली बहना योजना के फार्म में हुआ था। काफ़ी सारी माताएं व बहनाएं अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस योजना का प्रारंभ 17 सितंबर 2023 से कर दिया गया है और आप सभी 5 अक्टूबर 2023 तक इस योजना का आवेदन फार्म भर सकती हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस योजना के तहत आवेदन फार्म भरने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। 5 अक्टूबर 2023 के पश्चात किसी भी माता एवं बहन का आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना आवेदन फार्म 5 अक्टूबर 2023 से पहले पहले सचिव या फिर सरपंच के पास जमा कर दें ताकि आपको सबसे पहले आवास प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसके अलावा इस योजना का आवेदन फार्म भरने के लिए आपके लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। अगर आप इन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तभी आप सभी के लिए इस योजना के तहत आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। यदि आप इन पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और फार्म को भर देते हैं तो आपका फार्म यहाँ पर 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप पर कोई कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है। इसलिए आप सभी अगर इन पात्रताओं को पूरा करते हैं तभी आप सभी के लिए इस योजना का आवेदन फार्म भरना है। दोस्तों, पहले नंबर पर आपके पास कोई पक्की छत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 से अधिक कमरों वाला कच्चा मकान नहीं होना चाहिए और आप सभी कच्चे मकान में रहने वाले होने चाहिए, तभी आप इस योजना का फार्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास कोई 4 पहिया वाहन यानी कि कार या फिर ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी वार्षिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आप सभी के लिए बता दिया है, मासिक आय 12,000 रुपये दी गई है, यानी कि आपकी वार्षिक आय 1,40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना आप इस योजना का फार्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा छठवां पॉइंट प्रदान किया गया है कि 2.5 एकड़ से अधिक आपकी सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए और 5 एकड़ से अधिक आपकी असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए, वरना आप इस योजना का फार्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इन पात्रताओं को पूरा करिएगा तभी आप इस योजना का फार्म भरिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अब आपको आवेदन फार्म भरने में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी सारी माताएं व बहनें आवेदन फार्म भरने में कुछ मिस्टेक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका फार्म यहां पर रिजेक्ट हो जाता है। तो आप सभी के लिए बता दें, आपको आवेदन फार्म भरते समय कोई भी मिस्टेक को नहीं करना है और सभी जानकारियों को आपको बिल्कुल सही तरीके से स्पष्ट रूप से भरना है, तभी आपका यहाँ पर आवेदन फार्म स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लाडली बहना योजना में देख ही सकती हैं, काफ़ी सारी माताओं व बहनाओं ने यहाँ पर समग्र आईडी या फिर कुछ गलत जानकारियों को दर्ज किया था, जिससे यहाँ पर उनका आवेदन फार्म रिजेक्ट हो गया और अभी तक वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाई हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो रहे इस एप्लीकेशन फार्म को देख ही सकते होंगे। इस एप्लीकेशन फार्म को आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत जैसी सभी जानकारियों को दर्ज करना है। सभी माताएं व बहनें इन सभी जानकारियों को तो अच्छे से दर्ज कर रही हैं, लेकिन पहले नंबर पर यहाँ पर आती है बात वार्षिक आय की, जो कि काफ़ी सारी माताएं व बहनें यहाँ पर वार्षिक आय भरने में मिस्टेक कर रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, हमने आपको पात्रता मानदंड में बताया था कि आपकी मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी वार्षिक आय 1,40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यदि आपकी सालाना इनकम 1,40,000 रुपये से अधिक है तो आप इसका फार्म मत भरिएगा, आपका फार्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपकी वार्षिक आय 40,000 या फिर 50,000 रुपये है तो आप इसको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भर दीजिएगा, तो आपका फार्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी माताएं व बहनें मिस्टेक कर रही हैं कि परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हाँ पर टिक कर रही हैं, काफ़ी नहीं पर टिक कर रही हैं बिना कुछ जाने समझे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यदि आपके पूर्व में
कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त किया हुआ है, यदि आपके पति ने या फिर किसी ने, यदि आपकी एक समग्र आईडी पर किसी ने भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक करिएगा, तभी आप सभी के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त किया जाएगा, वरना आपका यहाँ पर आवेदन फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा काफ़ी सारी माताएं व बहनें यहाँ पर समग्र आईडी में मिस्टेक करती हैं। आपकी समग्र आईडी में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है और आप समग्र आईडी अच्छे तरीके से नहीं करती हैं तो भी आपका यहाँ पर आवेदन फार्म मिस्टेक होता है, क्योंकि काफ़ी सारी माताओं व बहनों ने लाडली बहना योजना के आवेदन फार्म में यह किया हुआ था कि समग्र आईडी को गलत तरीके से दर्ज किया था, तो आप सभी के लिए गलत जानकारी को दर्ज नहीं करना है, आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों अब आती है जॉब कार्ड नंबर की, जो कि काफ़ी सारी माताएं व बहनें यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर में कंफ्यूज हो रही हैं कि हमको यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर कौन सा दर्ज करना है, जो कि हमको काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, जॉब कार्ड नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शनल है, यानी कि अगर उपलब्ध है तो आपको भरना है, वरना आपको यहाँ पर छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी माताएं व बहनें यहाँ पर मजदूर हैं और उनके पास मनरेगा कार्ड होगा तो आप यहां पर मनरेगा कार्ड का नंबर भर सकते हैं, वही आपका जॉब कार्ड नंबर है, इसलिए आप सभी के लिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपको यहां पर मोबाइल नंबर सही सही दर्ज करना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक्ड होगा आपको वही मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, क्योंकि सभी जानकारी आपके मोबाइल नंबर से ही प्राप्त होती है। दोस्तों वर्तमान की आवासीय स्थिति में आपको यहां पर शून्य रूम, एक रूम कच्चा या फिर दो रूम कच्चा वाले पर टिक करना है, यदि आपके पास दो रूम से अधिक का कच्चा मकान है तो भी आपको यहाँ पर दो रूम कच्चे वाले में टिक करना है, आपको कोई अलग से यहाँ पर जानकारी नहीं भरनी है। दोस्तों अब बात आती है 14वें और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो कि काफ़ी सारी माताएं व बहनें यहाँ पर भारी मिस्टेक कर रही हैं कि परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है तो पंजीयन क्रमांक। जी हाँ दोस्तों, यह मुख्य बात है, जो कि काफ़ी सारी माताएं व बहनें हमको कमेंट भी कर रही थी कि सर हमने लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा है या फिर चूक गए हैं तो हम इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, जी हाँ बिल्कुल, यदि आपने लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा है और आप लाडली बहना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हैं तो भी आप लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं और इस फार्म को भर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है तो पंजीयन क्रमांक है। यदि आपका लाभार्थी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकती हैं, लेकिन आप फार्म जरूर भरिएगा, क्योंकि अभी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही इसका कोई नोटिस आया है कि आप लाडली बहना योजना का फार्म भरिए तभी आपको आवास मिलेगा, इसलिए आप सभी फार्म भर दीजिएगा, आपको भी पक्का आवास प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप इन सभी जानकारियों को भर लीजिएगा और इसको यहाँ पर जो आपको पावती रहेगी उसको फाड़कर आपको अपने पास रख लेना है और पावती में यहाँ पर सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के आपको हस्ताक्षर करवा लेने हैं और इसको आपको ध्यानपूर्वक भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने इस योजना का आवेदन किया हुआ है। दोस्तों अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, अभी इस फार्म में आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच करना है, तो आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन से आवेदन फार्म में दस्तावेज अटैच करने। दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के आवेदन फार्म में आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना है, जो कि YouTube पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें काफ़ी लंबी लंबी लिस्ट प्रदान की गई है कि आपको इन दस्तावेजों को अटैच करना है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, ना ही आपको किसी भी फेक जानकारियों पर ध्यान देना है। आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख ही सकते होंगे, जो कि यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से कलेक्टर के हस्ताक्षर करके जारी किया गया है, जिसमें आपको आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आपको आवेदन फार्म के साथ दो या तीन ही दस्तावेज अटैच करने हैं, आपको ज़्यादा दस्तावेजों को अटैच नहीं करना है। दोस्तों आप सभी यहाँ से पढ़ सकते होंगे जहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ एक तो आपको समग्र आईडी की फोटोकॉपी अटैच करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, आप सभी स्पष्ट रूप से समग्र आईडी की फोटोकॉपी करवाएं, जिसमें आपका समग्र आईडी क्रमांक दिखे, उसको आप इस आवेदन फार्म के साथ अटैच कर दें। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर आधार नंबर अटैच करना है, यानी कि आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी है। तीसरे नंबर पर आपको बैंक खाता यानी कि आपकी पासबुक की फोटोकॉपी आवेदन फार्म के साथ अटैच कर देनी है। चौथे नंबर पर आता है हमारा जॉब कार्ड अगर उपलब्ध हो तो। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया है, यदि आप मनरेगा जॉब कार्ड है आपके पास तो आप उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और बात आती है लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक, केवल लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिए, कि स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, हमने आपको बताया था यदि आप लाडली बहना योजना के तहत आवेदन किया हुआ है तभी आप इसका पंजीयन क्रमांक की फोटो अटैच करें, वरना आप इसको छोड़ भी सकती हैं। और जिन सभी बहनों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना का फार्म नहीं भरा है, वह भी आवास योजना का फार्म भर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है केवल लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिए, यदि आप इसके हितग्राही नहीं हैं तो भी आप इसका फार्म भर सकती हैं।